हाय एवरीवन, वेलकम माय यूट्यूब चैनल रजनी मेकओवर। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बहुत बढ़िया होंगे। तो गाइस, आज मैं आप लोगों के साथ जो है एक क्लाइंट के हेयर पर ही जो है आपको दो हेयर कट बताने वाली हूँ, जो कि सिंपल एंड यू स्टेप में हैं। तो देखिएगा आप किस तरीके से करते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल बटन को ऑन कर लीजिएगा, ताकि जो भी मैं फ्यूचर में वीडियो डालूं उसकी नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले आए गाइस। और ज़्यादातर हेयर हमेशा क्लाइंट हमसे कटवाते हैं और साथ में बोलते हैं कि उनके जो है बाल ज़्यादा ना कटें एंड उनको जैसी भी कट चाहिए वो भी आ जाए। तो आप देख सकते हो मैंने स्ट्रेट कट किया हुआ है। पहले तो आपको बालों को अच्छी तरीके से गीला कर लेना है, उसके बाद उसको जो ट्रायंगल है उनको रिमूव कर देना, अच्छी तरीके से सुलझा लेना है। बालों को बिल्कुल भी जो है उलझे हुए नहीं रहना चाहिए, वरना बाद में वो बाल जब सुलझाते हैं तो वो बाल एक्स्ट्रा दिखते हैं, तो कटिंग काफ़ी ज़्यादा गंदा दिखता है ना। तो आप देख सकते हो मैं कितना कॉम चला रही थी बार बार, उसके बाद जो है मैंने बराबर बिल्कुल स्ट्रेट कट किया हुआ था, बिल्कुल एक भी बाल इधर उधर नहीं निकल रहा था। बहुत ही सिंपल होता है गाइस, आजकल सभी लोग स्ट्रेट कट कर लेते हैं, बट क्या है ना, मुझे तो वीडियो भी डालना था एंड दो हेयर कट मैंने एक ही बाल पे करे थे, तो मुझे लगा कि ये वीडियो आप लोगों के साथ शेयर कर लेती हूँ। तो देख सकते हो आप, काफ़ी सुंदर लग रहा था एंड आपने देखा भी था मैंने बहुत ही कम इनका जो है बाल कट किया हुआ है एंड मैं डीप यू स्टेप में जो है बाल कट करूँगी, यानी थोड़ा डीप डालूंगी यू स्टेप में। तो आप वो भी देखिएगा किस तरीके से। ये तो हो गया मेरा स्ट्रेट फाइनल हो गया, ओके कट। अब ये यू स्टेप कट करने का जो मेरा तरीका है गाइस, वो ये है कि पहले मैं दोनों साइड की छोटी छोटी लेयर लेके इक्वली कट कर देती हूँ, ताकि दोनों को फिर मिलाने में जो है गड़बड़ ना हो। इस तरीके से अब जो है मैं दोनों बालों को जो है बीच में यू का शेप देते हुए दोनों को मिक्स कर दूंगी, है ना। तो मैं गाइस डायरेक्ट भी कट कर लेती हूँ एंड जो है छोटे छोटे जो सेक्शन लेके कट करते हैं वो भी कर लेती हूँ। तो मैंने अभी इसमें आपको छोटा छोटा सेक्शन लेकर ही कट करके बताया आपको, ओके। लेकिन अगर आप कटिंग में एक्सपर्ट हो तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, है ना। मैं आपको वो भी वीडियो लेके आऊँगी आप लोगों के लिए कि मैं डायरेक्टली जो है सेक्शन विदाउट सेक्शन के आप किस तरीके से यू शेप दे सकते हैं। एंड गाइस, जब इनका बाल जो है मैंने ड्राई किया था उस टाइम पे बहुत ही ज़्यादा जो है इनका हेयर कट बहुत ही प्रिटी लग रहा था। आपने स्टार्टिंग में देख ही लिए थे कुछ पिक एंड लास्ट में भी पड़े हुए हैं पिक, तो वो भी ज़रूर देखिएगा इस तरीके से। एंड इनका जो इतना हल्का बाल लग रहा था जब मैंने ब्लास्ट ड्राई करा था, यस गाइस सही सुना है आपने, मैंने ब्लास्ट ड्राई ही बोला है। ब्लास्ट ड्राई अलग होता है, उसका वीडियो भी मैं आप लोगों के लिए ज़रूर लेके आऊँगी, बट सॉरी मेरे से मिस हो गया था, वो वीडियो शूट नहीं कर पाई थी, ओके। तो मैंने ब्लास्ट ड्राई करा था, उससे क्या रहता है बालों में जो होता है वॉल्यूम आ जाता है। अभी आप देख सकते हो इनके बाल कितने आपको हल्के दिख रहे होंगे, है ना। जब मैंने वो ब्लास्ट ड्राई करा था उस टाइम इनके बाल काफ़ी ज़्यादा जो है घने दिख रहे थे। इस तरीके से आपको बार बार कॉम करके आपको शेप देनी है। ये देख सकते हो थोड़ा सा जो बाल जो ड्राई होने लगे थे इसलिए मैंने दोबारा उनको गीला करा था। इस तरीके से बिल्कुल प्रॉपर यू शेप में था, थोड़ा डीप में था, पर बहुत ही प्रिटी लग रहा था, बहुत ही सुंदर लग रहा था। इनका हेयर जो मैंने थोड़ा सा ऊपर पौनी बनाई हुई थी उसमें भी काफ़ी सुंदर लग रहा था, खुले में भी बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रहा था, है ना। और आपको रीचेकिंग जरूर करना है, रीचेक का मतलब होता है दोबारा से चेक करना है आपको हेयर को, कहीं से जो है एक्स्ट्रा ना रहे, ओके। एंड कटिंग को आपको बिल्कुल भी जल्दी नहीं करना है, कट कोई सा भी करो आप, आपको टाइम लेकर के करना है ना। एंड इनके बालों की लेंथ भी आप देख सकते हो बिल्कुल नहीं गई थी, आधा इंच जो है इनकी बालों की लेंथ आधा इंच गई थी, है ना, पूरा एक इंच भी नहीं गया था। मैंने उसमें आपको दो कट दिखाए गाइस, मतलब जो क्लाइंट की नीड होती है ना, वो 99% क्लाइंट की नीड यही होती है कि हमारे बाल जो हैं ज़्यादा ना कटें, लेकिन उनको जो कट चाहिए होता है वो प्रॉपर दिखे, है ना। तो गाइस प्लीज़, अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा, चैनल को करिएगा सब्सक्राइब। तो मैं ऐसे ही कुछ अच्छे अच्छे वीडियो आप लोगों को लेके आती रहूँगी, ओके। देख सकते हो आप इनके हेयर इतने, मतलब कि बहुत ही हल्का बाल था, बट जो मैंने ब्लास्ट ड्राई करा था उस टाइम पे आप बाल देखिएगा, इनका बहुत ही सुंदर लग रहा था, ये देख सकते हो आप, है ना।
ये इन्हीं का है गाइस, मैंने ये नहीं है कि दो वीडियो मिक्स करे हुए हैं, बिल्कुल नहीं गाइस, ये इन्हीं के ही आ रहे हैं। और ये देख सकते हो जब मैंने सेट कर रहे थे बाल, उसके बाद इनकी पौनी बनाई थी इस तरीके के, जो इनका लुक आया था। तो गाइस प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, शेयर करिएगा वीडियो को, चैनल को करिएगा सब्सक्राइब। ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो फिर से लेके आऊँगी मैं आप लोगों के लिए, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।